नमस्कार, मैं लारा वासनी, आप देख रहे प्रदेश समाचार न्यूज चैनल। आज मैं जटोल गांव में प्रधान जी के नाम से प्रस्तुत हूँ। प्रधान जी से कुछ विकास को लेकर बात करेंगे, कुछ समस्याओं को लेकर बात करेंगे। पहले प्रधान जी का पर्चा देखें। प्रधान जी का पर्चा देखें। मैं जटोल गांव से प्रधान हूँ। तो प्रधान जी, आपको जनता से क्या समर्थन, क्या सपोर्ट मिला? बढ़िया सपोर्ट मिला था हमको, करीब 400 तो हमने स्कूल में जो है कंस करा दिए और स्कूल मैदान बनवा दिया है। अगर जो है एक प्राइमरी स्कूल में शौचालय बना दिए और पंचायत घर है, पंचायत घर में स्कूल भी करा दिया है। तो आप पंचायत घर पहले भी था? हाँ, पहले से भी था। तो आपने क्या क्या कराया है? हमने सितंबर सफेदी खरीदी करा दी है और पैसे लगवा दिए उसमें और क्या नाम है, खाली जगह का और आ गया। तो प्रधान जी, जैसे कि यहाँ स्कूल है, हाँ कितने तक है स्कूल? एक जूनियर स्कूल है, एक प्राइमरी पढ़ता है, दो स्कूल है। तो जैसे कि मिड डे मील का खाना बनता है, कहाँ से आता है? एक तो बिंदावन से आता है जूनियर के लिए और प्राइमरी के लिए तो बनाते हैं। प्राइमरी स्कूल मतलब स्कूल में ही बनता है? स्कूल में ही बनता था। तो प्रधान जी, आपने जैसे स्कूल में कुछ काम कराया, इंटरलॉक वगैरह, शौचालय वगैरह? हाँ, एक प्राइमरी में शौचालय बनवा दिया है और जूनियर में टेस्ट लगवा दिए। ज्यादा भी हो जाते हैं, कम नहीं होते। अभी भी काम चल रहा है? अभी फिलहाल का काम चल रहा है। क्या काम चल रहा है? नाले की सुधाई चल रही है, नाला है हमारे यहाँ, नाले की सुधाई चल रही है। तो प्रधान जी, मतलब और क्या क्या काम कराया है आपने? नरेगा का काम करा दिया है और करीब 4-5 नल रोबोट करा दिए। कहाँ कहाँ कराए थे? एक हॉस्पिटल कराया था, स्वास्थ्य विभाग केंद्र। हाँ, हॉस्पिटल स्वास्थ्य विभाग केंद्र, अच्छा अच्छा, उसमें करा दिया है और 3 नल जो है गाँव में करा दिया। काम में इसी गाँव में, मतलब एक ही गाँव में 3 नल लगवा, 4 नल लगवा चुके हैं और एक हॉस्पिटल में और 3 गांव में। तो प्रधान जी, यहाँ वैक्सीन वगैरह हुई है ना? अभी हाँ वैक्सीन हो गई है। हो गई तो मतलब तो बच्चों की वैक्सीन हो रही है? बच्चे फ्री भी हो रही है, तीसरी डोज भी चल रही है। मतलब बच्चों में कितने कितने साल के बच्चों के? 18 साल तक के बच्चों, 15 से 18 साल के बच्चों। हाँ, तो प्रधान जी, आपने कुछ वृद्धा विधवा कुछ फार्म वगैरह भरवाए ना भरवाए? हाँ, पेंशन के फार्म भरवाए, विधवा पेंशन के। कितने फार्म भरवा चुके हो आप? बाकी चल रहा है ना, जो पहले से ही। तो कुछ पेंशन आ रही है ना? या आ रही है, पेंशन आ चुकी है? कितने दिन की आ रही है? ये करीब आ रही होंगी, 20-25 लोग होगी चला रहे। तो प्रधान जी, आपने तो 8-10 फार्म भरवा दी, 20-25 लोग होंगे पेंशन के साथ? उनकी पुरानी पेंशन ही ना, तो पुरानी तो पुराने प्रधान जी को बता दिया। 10 लोगों में से 5-6 लोग हो गया अभी तो सभी। तो प्रधान जी, कुछ विकलांग भी है गांव में? हां, कुछ है विकलांग है। आपने विकलांगों के लिए कुछ रिक्शा या कुछ पेंशन वगैरह काम कर रहे हो? बताया भैया, नहीं बनवाए आपने? कुछ भी नहीं, तो रिक्शा वगैरह कुछ भी नहीं? तो मतलब इतने, मतलब ऐसे हैं विकलांग तो रिक्शा की जरूरत हो उन्हें? हां है। तो फिर आपने क्यों नहीं फार्म भरवाया? तो कोई सूचने नहीं मिले कि फार्म साइड बंद है, ये कह रहे थे सब वाले साइड बंद है, फार्म बंद ही है। तो प्रधान जी, विकलांग कितनी परसेंट होना चाहिए जिससे कि पेंशन बन जाए? विकलांग कम से कम 60% तो होना चाहिए। 60 हो 40 तक तो शुरुआत हो ही जाती है, 40% तो होना चाहिए। तो प्रधान जी, राशन कैसा बट रहा है? राशन बढ़िया बट रहा है, 4.5 किलो देता है, कभी 5 किलो भी देता है। एक मिनट का 4.5 किलो देते हैं? 4.5 किलो, 5 किलो। अच्छा अच्छा तो प्रधान जी, और कुछ कहना चाहोगे आप?
तो आपने वृक्षारोपण कराया? वृक्षारोपण कराया। कितने पौधे लगवाए थे? करीब लगवाए थे 1500 पौधे। कहाँ कहाँ लगवाए थे? ये हमारे यहाँ बाट का बनी है। अच्छा। सरागा में। हाँ। तो 1500 पौधे बाट में लगवा दिए? हाँ। काफी जगह है। तो 1500 पौधे आगे बाट में लगवाए? दो नहीं है। अच्छा। काफी जगह है। स्कूल में भी लग गए, स्कूल वालों को अलग से मिलते हैं, हमको अलग से मिले। अच्छा, अच्छा। कुछ किसानों को भी बांट दिए। तो प्रधान जी पौधे सब सही हैं या? हाँ, कुछ 10% पौधे खराब हो चुके हैं। अच्छा, खराब हो चुके हैं। तो प्रधान जी आप हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ कहना चाहते हो? जो भी समस्या हो, क्या समस्या है? बढ़िया चल रहा है तो हमारा काम, गाँव का काम बढ़िया चल रहा है। और कैसे आ रहे हैं हम बोले प्रधान जी, आस पास कहीं बाजार भी लगता है क्या? मुल्तान में बाजार लगता है सर, करीब हमने 5 किलोमीटर पास में सिर्फ बाजार नहीं लगा। प्रधान जी तो बहुत दिक्कत होती होगी जैसे पास में सिर्फ बाजार में चलते हैं, रिक्शा चलते हैं, ट्रैक्टर रिक्शा चलते हैं। तो कोई आसमान मतलब कोई डॉक्टर वगैरह आस पास? डॉक्टर ही है हमारे यहाँ। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें प्रदेश समाचार नेटवर्क, और लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।